नमस्कार दोस्तों, एनवायरो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इवेंट्स के थीम के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन जो है मिलने की संभावना रहती है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल इवेंट्स पे, उनके थीम पे। तो शुरुआत करते हैं। आपका ओजोन डे सेलिब्रेशन जो 60 सितंबर को किया जाता है और 2023 के लिए इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम जो है 2023 के लिए है प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और 2023 के लिए जो थीम था वो था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था 2023 के लिए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और 2023 के लिए इसका जो थीम निर्धारित किया गया था वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो थीम था इस बार वो था एक्सिलरेटिंग चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो थीम था वो था पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका इस बार के लिए थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो वैसे तो बहुत सारे आपके इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं जिनकी डेट हमें याद होनी चाहिए कि किस डेट को वो इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमने काफ़ी बार जो है उन इवेंट्स के बारे में आपको बताया है, वीडियो भी बनाई है उन पे, आप लोगों ने देखा होगा। और ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके हमें थीम भी पता होने चाहिए। इनमें से अगर मेजरली देखें तो ओजोन डे, वाटर डे, अर्थ डे, ये तीन तो ऐसे हैं कि जिन पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है इनके थीम क्वेश्चन के थीम से संबंधित क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट में मोस्टली जो है आपका इन्वायरमेंटल कैलेंडर यानी कि किस डेट को कौन सा इन्वायरमेंट इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, ये सबसे एक लोकप्रिय एक पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। थीम्स पे भी एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो एटलीस्ट आप इन इवेंट्स की थीम याद कर लेंगे और सारे इवेंट्स जो हैं वो याद कर लेंगे, एक क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जियो बच्चों।